मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे के दौरान 80 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को सौगात दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न योजनाओं के 8 शिलान्यास और एससी छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, विधायक कमलेश कुमारी, नरेंद्र ठाकुर, एचआरटीसी उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। जनसभा के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों ने भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया गया। कोविड-19 के दौरान पहली बार जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी से एहतियात बरतें और बीमारी को हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सभी चीजें प्रभावित हुई हैं, लेकिन अब महसूस किया है कि लोगों के बीच में जाकर विकास को गति देने की जरूरत है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इसी के चलते आज से प्रदेश का प्रवास शुरू किया है। था कोविड का, जिसके कारण सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हुई, राजनीतिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई, और यहां तक मैं कह सकता हूं कि सरकारी कामकाज पर भी इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिला, क्योंकि लॉकडाउन लंबे समय तक रहा, अनलॉक फेज में भी कामकाज में कठिनाइयां आ रही थी। लेकिन अब हमने अनुभव किया, महसूस किया कि लोगों के बीच में जा करके लोगों की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से और विकास को गति देने की जो ज़रूरत है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, और विशेष तौर से जिन योजनाओं को शुरू करना है, जो योजना हमने बना करके तैयार की है उनको लोगों को समर्पित करना है तो लोग उसका लाभ ले सके, इस दृष्टि से हमने प्रदेश का प्रवास अब शुरू किया है और आज से शुरुआत की है। पहले उनको भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परफेक्शन, मैंने कहा कि अनुभव किसी को नहीं था, चाहे कितने लंबे समय से राजनीति में व्यक्ति होंगे, लेकिन किसी को अनुभव नहीं था इस लड़ाई को लड़ने का। लेकिन फिर भी जो हमको इस सारी चीज़ का अध्ययन करने के बाद अनुभव के हिसाब से जो लग रहा था वो हमने जो किया, उसके कारण हिमाचल अभी तक भी बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर परिस्थिति है। स्कूलों के खोलने के निर्णय को सही ठहराते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 अनलॉक के बाद धीरे धीरे सरकार ने सब कुछ खोलना शुरू किया है। उन्होंने माना कि शुरू में बसों और दुकानों में लोगों ने आवाजाही कम थी, लेकिन अब ज्यादा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि धीरे धीरे अगर स्कूल भी ठीक रहते हैं तो सुचारू ढंग से चलाए जाएंगे। अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। किया है, किसी को वादे नहीं है, अभी हमने धीरे धीरे शुरुआत की है, क्योंकि ये संकट ऐसा है इसमें फोर्सफुली हम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए। अगर हमने हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू की तो शुरू के दौर में बसें खाली भी चली और काफ़ी दिनों तक खाली चली, लेकिन धीरे 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 लोग उसमें अब आगे बढ़ने शुरू हुए और आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग जा रहे हैं। शुरू में हमने दुकानें खोली, दुकानों में खोलने के बाद जो है ग्राहक नहीं जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ अब ग्राहक भी जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो गई है। ऐसी परिस्थिति में अब स्कूल की, कॉलेज की जो बात है उसमें जो हमने निर्णय लिया है, हम उसमें यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, अगर स्थितियाँ ज़्यादा खराब होंगी, परेशानियाँ होंगी तो उसको देखेंगे, अन्यथा हमने धीरे धीरे शुरुआत करने की कोशिश। कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी और विधायक रमेश धवाला की नाराजगी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दोनों पार्टी में हैं और पार्टी की अंतर्कलह पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और अंदर का रास्ता निकाला जाएगा। देखिए, दोनों पार्टी के अंदर हैं और पार्टी में किसी प्रकार की बातों को लेकर के इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हम उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मंत्रियों के फेरबदल और नए चेहरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है और फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा। अभी हुआ है, अभी मंत्रिमंडल हमारा संपूर्ण है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और विभाग जिन जिन को जो देने थे वो दिए गए हैं, काम कर रहे हैं। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार जयराम ठाकुर 23 मई से पहले 10:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से कंजाण पहुंचे, जहां पर पुलिस के जवानों ने मार्च पास्ट की सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कंजाण में जयराम ठाकुर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगवाती बमसन उठाओ पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य मालियां
सदरियान उठाऊ पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य और उठाऊ पेयजल योजना अमरो का शिलान्यास किया, तो समला से दसमल बाया टोहू सड़क, मतलाना से बुहाना सड़क, टिक्कर खतरिया दिमी सड़क और चौथ खड़ पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इनके अलावा मुख्यमंत्री बस स्टैंड भोरंज की आधारशिला भी रखी तथा आईटीआई भोरंज के अनुसूचित जाति छात्रावास का उद्घाटन भी किया।